Subscribe to Asbuddin News and click on the bell icon for a latest update. माझा कॉइन्स छंद कॉइन्स प्राचीन कॉइन्स मध्ये पुस्तकं वगैरे लिहिली बरेच अंडरग्राउंड गॅलरी म्हणून वर्ल्ड फेमस त्यांनी पण घेतलं कारण एकीकडे याच्यामध्ये कधी कधी 50-50 फोटोग्राफ काढले 50 फोटोग्राफ याच्यामध्ये तेव्हा जाऊन म्हणते याचा फोटो आम्हाला द्यायचा कंडिशन होता जीवन से संबंधित to witness unveiling of the stunning photographs of this vociferous round of applause. I request the chief guest to cut the ribbon and open the exhibition. These are double exposed and multiple exposure photographs. I was trained as an artist to draw and to paint. And my husband had to express. He gave me a camera and he was like, you photograph now. And that's how I began my categories. Lot of it is also movement and my transition from London to India and again back to Bangalore and lot of movement is there. So that's what I art auctioneers present here. One is Dr. Dilip Rajgore. Can you please come in front? And Girish Veera, please, please. And Girish. बहन जूही कुलकर्णी मेरे भाई का मित्र
चंद्रपुर में जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं और जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, जो अशोक सिंह जी, केजाब थोड़ीवागा जी, मैडम मेनन जी और मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों, सही तो सवेरे से 11 बैठकें मेरी थी, मगर तबीयत अच्छी नहीं होने से सारी बैठकें मैंने रद्द कर दी। एक ही कार्यक्रम में मैं यहाँ आया, वो हमारे बहन जी। ये मेरा सौभाग्य है कि नागपुर में जिसका जन्म हुआ उसने लेके खदानों में मिलता है, तो हमारी जूही डायमंड से कम नहीं है। नागपुर में जन्म लेके वो यहाँ आई, 3 वर्ष लंदन में काम किया। ये बात सही है कि अभी 21वीं सदी में बहुत सारी वस्तुओं से हम अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। मैं विद्युत, ओ फॉर ऑक्सीजन, आर फॉर रेन, ई फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, एस फॉर सॉइल और टी फॉर टीक। सांस भी वन से होती है और आखिर जाते समय लकड़ा भी वन का होता है, और मोक्ष चाहिए तो कौवा जब तक पिंड को नहीं छूता है तब तक वन विभाग से ही काम होता है। मैंने परसों ही कई किताब में पढ़ा कि अब जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है, तो ज्ञान से भी बड़ी चीज है इमेजिनेशन। 21वीं सदी में सबसे बड़ी चीज इमेजिनेशन है, कल्पकता है, सोच है, किताबों से भी आगे जाकर सोचने की क्षमता है। कुलकर्णी ज्या आहे लंडनमध्ये 3 वर्ष याचा अभ्यास करून इथं आल्यात, आणि अतिशय मन आणि जीव तोडून त्यांनी मला वाटतं की सुंदर पेंटिंग केलं। वनमंत्री म्हणून मला या पेंटिंगचं कौतुक यासाठी केलं पाहिजे की त्यांनी मनुष्य आणि वृक्षसृष्टी याचा कसा संबंध आहे यावर काही पेंटिंग्स केल्या। नागपूरमध्ये जन्मधागा आणि त्यांचं जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये प्रदर्शन होत आहे। एक वनमंत्री म्हणून या राज्याचा, एक मंत्री म्हणून त्यांचं कौतुक करण्यासाठी मी मुद्दा मागतो। अतिशय सुंदर त्यांनी कलाकृती इथं या एक्झिबिशनमध्ये सादर केलं आहे, आणि त्यांना मी एक मंत्री म्हणून शुभकामना। वादळी कशासाठी होईल? खरं ते सरकार वेगाने काम करत आहे। आता सरकार वेगाने काम करत असताना जनतेने या निवडणुकीमध्ये इतका प्रचंड विश्वास व्यक्त केल्यानंतर काही कारण नसताना विरोधासाठी विरोध केला तर मला वाटतं की हे योग्य होणार नाही। जिथं सरकार चुकतं निश्चितपणे शेवटी आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन राज्य पुढे न्यायचं आहे। आमचा एखाद्या विषयाबद्दल दुराग्रह नसावा आणि विरोधकांचा कारण नसताना विरोध नसावा, या दोन गोष्टीचं जर संतुलन ठेवलं तर आपण वेगाने राज्याची प्रगती करू शकतो। विरोधासाठी विरोध करण्याची भूमिका जर विरोधकांनी घेतली तर मला वाटतं की मग जनतेला सुद्धा हे योग्य वाटणार नाही आणि जनता मग मतपेटीतून आपला राग व्यक्त करतात। काल जी बैठक झाली आहे विधिमंडळात, जी झालेली बैठक, तो ओके भाऊ एक प्रश्न असा होता की राज्यात स्पष्ट भूमिका आहे की शेतीची उत्पादकता आणि शेतीचं उत्पन्न वाढवल्याशिवाय हा प्रश्न कमी होणार नाही किंवा संपणार नाही, हे एका दिवसात होणार नाही। कारण आपल्याला शेतीमधल्या पायाभूत सुविधा वाढवाव्या लागतील। मागच्या अर्थसंकल्पात मी 26,981 कोटी खर्च केले, असा दावा नाही आहे की 26,981 कोटी खर्च केल्याबरोबर 1,37,00,000 खातेधारक जे कृषी क्षेत्रात आहे त्यांच्या आयुष्यामध्ये आपण आमूलाग्र बदल करू शकतो। कारण 15 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने या क्षेत्राकडे लक्ष द्यायला हवं होतं, सरकारची उदासीन भूमिका होती, आणि त्यातून अजूनही तुम्ही जसं म्हणता की चांगला पाऊस आला, उत्पन्न चांगलं झालं, पण तरी आत्महत्या या कमी झाल्यात, पण शून्यावर आणण्यामध्ये अजून आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागतील। या बजेटमध्ये सुद्धा शेतकरी हा केंद्रबिंदू आहे। आमचा प्रयत्न आहे की या राज्यामध्ये आपण शेतकऱ्यांसाठी अशा योजना करायच्या, उत्पन्न आणि उत्पादन दुप्पट करत,
कृषी हा उत्तम व्यवसाय असं मानलं जायचं, त्या दिशेने प्रवास करायचा. एक जरी असली तरी गंभीर आहे, कारण तो जगाचा पोशिंदा आहे. अन्नदाता सुखी भाऊ म्हणतो, एक एकर शेती नांगरायची असेल तर 13.5 किलोमीटर आडवं उभं चालावं लागतं. कडक उन्हात नांगरणी वखरणी करावी लागते. एअर कंडिशन ट्रॅक्टरमध्ये शेतकरी बसत नाही. पावसाळ्यात चिखल तुडवावा लागतो. थंडीमध्ये जेव्हा कच्च्या बच्च्याच्या घोंगडीमध्ये आपल्या छातीला कवटाळून झोपावं तेव्हा जाऊन जागणी करावी लागते, तेव्हा अन्न आमच्या पोटामध्ये जातं. तो मंत्री असो की एखादा अर्थतज्ञ असो, जगामध्ये टी व्हीशिवाय तो जगू शकेल, मोबाईलशिवाय जगू शकेल, पण मग जगातला एक माणूस दाखवा जो अन्नाशिवाय जगू शकेल. मग अशा प्रसंगी एक जरी शेतकरी आत्महत्या करेल, राज्यकर्ता म्हणून हे माझ्यासाठी चिंता आणि दुःख देणारी आहे. पण ही तेवढंच खरं आहे की ही परिस्थिती दुःख देणारी असली तर एका दिवसात, एका वर्षात किंवा 2 वर्षात बदलण्यासाठी आपल्याकडे अशी विशेष शक्ती नाही. त्या दिशेने आपण प्रयत्न करतो आहे की कृषी क्षेत्रात का शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद निर्माण करण्यासाठी जे जे करता येते ते पूर्ण प्रयत्न आम्ही करतो आहे, पूर्ण शक्तीने. ज्याची मी मोठी यादी सांगू शकेल, सिंचन क्षेत्रामध्ये आपण वाढ करतोय, जलयुक्त शिवार केलं, आपण विहिरी दिव्या, विजेचे कनेक्शन दिवे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगी दिली, केंद्र सरकारने पीक विमा दिला. जर 2001 पासून 2014 पर्यंत राष्ट्रीय कृषी पीक विमा पीक विम्यामध्ये 15 वर्षात मागच्या सरकारने 4,600 कोटी दिले, आमच्या सरकारने 1 वर्षात 4,200 कोटी शेतकऱ्यांना दिले. दुष्काळाचा सामना आम्ही पूर्ण शक्तीने केला. 900 कोटी रुपये खर्च करून 14 जिल्ह्यामध्ये आपण 2-3 रुपये किलोचं धान्य दिलं. जलसंपदा विभागामध्ये जे बजेट दिलं, मागच्या 10 वर्षामध्ये कट लागायचा. मी अर्थमंत्री जागो मी सांगितलं की 1 रुपयाचा जरी कट लावला तर मी अर्थमंत्री म्हणून मी राजीनामा देईल. इंडिया टुडे आणि आज तकनी या संदर्भामध्ये जेव्हा इतर राज्यांचा अभ्यास केला तर या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला प्रथम पुरस्कार दिला की 1 पैशाचा कट न लावता जलसंपदा विभागाला पूर्ण पैसे दिले. 10 मुद्दे होते, त्यापैकी हाही एक मुद्दा होता. तर असे मी अनेक मुद्दे सांगू शकेल की ज्या मुद्द्यांवर आम्ही काम करतोय. पण शेवटी एक तेवढंच खरं आहे की 2 वर्षामध्ये 15 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीत ज्या पद्धतीने ज्या दिशेने आम्ही जायला हवं होतं ते दुर्दैवाने आम्ही गेलो नाही आणि त्याचा काही परिणाम आम्हाला आज जाणवतो. पण तुम्ही जो प्रश्न केला की 100 नाही एक शेतकरीही आत्महत्या करतो तर दुःख होणार. एक शेवटचं होत असं का तरी ते काही जाहीरपणे सांगून मला वाटतं की कोणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात आपल्याला पुढे आपला महापौर बनवताना काय करायचं मला वाटतं इतक्या उघडपणे सांगण्याची आवश्यकता नाही. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी स्पष्ट सांगितलं आहे की महापौर भारतीय जनता पार्टीचा मुंबईमध्ये करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करतो आहे आणि या प्रयत्नामध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या सर्व एकत्र बसून ठरवतील. शिवसेनेला सोबत जनता पार्टी शिवसेनेच्या बरोबरीत लोकांनी कौल दिला. जर तुम्ही संख्येचा विचार केला तर कौल बरोबरीचा आहे, मताचा विचार केला तरी काही फरक आहे काही हजाराचा, की ज्याच्यामध्ये मुंबईकरांनी भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने आपला मतरूपी आशीर्वाद उभा केला आणि अशा प्रसंगात योग्य वेळी योग्य निर्णय होईल. आज काही त्याच्याबद्दलची चर्चा करण्यामध्ये मला वाटतं की ही काही कोर टीमची बैठक एक झाली आहे, दुसऱ्या कोर टीमच्या बैठकीमध्ये याच्यावर पुन्हा विश्लेषण होईल. सर हिंदी में जानना, ही कुलकर्णी जो नागपूर से है 3 वर्ष लंडन में पढ़कर आई है और बड़ा दिल लगा के उसने पेंटिंग की और कलाकार तो मुझे लगता है ये भगवान विशेष रूप से ध्यान देकर किसी कलाकार को जन्म देता है. दिल से काम करना होता है कोई भी कला हो. तो हमारी बहन ने बड़े अच्छी कला का प्रदर्शन जहांगीर आर्ट गैलरी में किया है. इस राज्य का मंत्री के नाते मुझे लगता है कि उसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है और जो अच्छा काम करता है उसे शाबाशी देने की भी आवश्यकता होती है. तो बहन जूही जी के साथ मैं आया हूँ, उन्हें मैं शाबाशी देने के लिए मैं यहाँ पहुँचा था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. तो मेरी शुभकामना है कि एक दिन लंदन में उनके इस एग्जीबिशन के लिए मैं फिर उद्घाटन के लिए जाऊँ. भगवान उसे उन्हें ऐसी शक्ति दे. और विशेष रूप से उनके पेंटिंग में एक बात मैंने देखी कि जो भी कलाकृति है उसमें से बहुत सारी कलाकृति बनाते समय उन्होंने वृक्ष सृष्टि को भी महत्व दिया है. तो मनुष्य जीवन में जो वृक्ष है, जो वृक्ष सृष्टि है, जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्लैनेट है अर्थ,
जहाँ पे ईश्वर ने वृक्ष दिया और इसीलिए मानव का निर्माण हुआ है, तो उन्होंने उसका एक बड़ा सुंदर ऐसा संयोग उसमें बताया है, जो मेरा भी विषय है वन मंत्री के नाते, और इसलिए मैंने उनको शुभकामना देने के लिए आज आने का निर्णय किया। सर आपसे अगर अगर पार्टियाँ हर पार्टी अगर मेयर बनाने की कोशिश करती है तो वो तो कोई गलत नहीं है। अब ये आंकड़े जब जिसके जम जाएंगे उसका महापौर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हो जाएंगे बहुमत को तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। अपने अपनी ओर से महापौर बनाने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि जनतंत्र में ये संविधान ने अधिकार दिया हुआ है और वो संविधान के अधिकार से ये हर पार्टी का कर्तव्य होता है, हर पार्टी का अधिकार है। शिवसेना अपनी ओर से ताकत लगाओगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से शक्ति लगा देगी। सर शिवसेना हमेशा ये एक वैशिष्ट्य रहा है, हर किसी का समाधान, सबके साथ और सबका विकास, ये तो है मगर सबका सम्मान और सबका समाधान। अगर किसी को ये लगता है कि हमारी सरकार नोटिस पीरियड पे है तो कुछ क्षणों के लिए तो खुशी मिल जाएगी, बस भगवान ये खुशी हम सरकार चलाते रहे और उन्हें लगते रहे कि हम नोटिस पीरियड पे, उनको भगवान खुशी देते रहे, बाकी क्या है। सर इस बार महाराष्ट्र के बजट में कुछ नया देखने मिल सकता है आपको? देखो नया नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है, महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में आगे जाए, किसानों के लिए, पर्यटन के लिए, रोजगार के लिए, विशेष रूप से अर्थसंकल्प होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर ये संख्या बढ़ने की आवश्यकता है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अगर धन संपदा एकत्रित होती है तो किसी राज्य के लिए वो अच्छा नहीं हो सकता, तो सबको विकेंद्रीकरण हो और सबको जीने का अधिकार है, जिए और जीने दो, तो अर्थसंकल्प उसी दिशा में समाज को ले जाना चाहता है। किसानों के सर अन्नदाता सुखी भव कहते हैं, जिसे हम मराठी में जगाचा पोशिंदा कहते हैं, यही तो एक व्यवसाय है जिसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई किसान एयर कंडीशन में बैठ के तो काम नहीं कर सकता, एयर कंडीशन ट्रैक्टर में बैठ के खेत में काम नहीं कर सकता, उसे तो बड़ी कड़ी मेहनत करनी होती है और जब जाके वो मेहनत से वो सोना भू माता से निर्माण होता है, तो किसान के जीवन में खुशी ये हमारा एक लक्ष्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर हम पूरी ताकत से दिल से काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं, हमारा लक्ष्य है कि किसान ये एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, बिता सके और इसलिए उसका उत्पन्न डबल हो, उसका उत्पादन डबल हो, हम पूरी ताकत से कोशिश करें और हमारा भी ये सरकार का लक्ष्य है। थैंक यू। आई एम एलिवेटेड, आई एम एक्साइटेड, आई हैव नो वर्ड्स, यू नो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसके आर्ट को कोई सराहे, कोई अच्छा कुछ कहे उसके बारे में, और जब हमारे स्टेट के मिनिस्टर अगर आते हैं और कुछ कहते हैं, कुछ दो शब्द भी वो अच्छा कहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ नॉट जस्ट ओनली फॉर मी एज एन आर्टिस्ट, पर सारे आर्टिस्ट एज अ कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे मिनिस्टर हमारे साथ हैं, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हम्बल ऑल्सो, थैंक यू एवरीबॉडी टू सी योर शो। Thank you.